वेलकम टू वेगस। और ये है बैलीज होटल जहाँ पे हम रुकने वाले हैं। इसके अंदर एक कसिनो भी है। अभी अंदर जाके मैं टूर देता हूँ। हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू माय ब्लॉग। और इस बार हम आए हैं वेगस हमारी सेकेंड मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए। और इस बार हमारा प्लान ये है कि वेगस का जितना पार्ट हम कवर कर पाएँ, थोड़ी मस्ती होगी, थोड़ा गैम्बलिंग का प्लान है, थोड़ी राइड्स करने का प्लान है। सो देखते हैं जितना कवर हो पाता है यहाँ पे जल्दी काम। से रूम टूर दे देते हैं। दो क्वीन साइज बेड्स हैं एंड ये रहा बाहर का व्यू। तो बहुत अच्छा व्यू तो नहीं है बट ठीक है। रूम पे सामान रखने के बाद हम लोगों ने सोचा कि होटल का एक टूर मार लिया जाए। तो यहाँ पे बैलीस होटल और पेरिस होटल आपस में कनेक्टेड है। और इन्होंने देखो, ये होटल के अंदर एकदम ऐसा बनाया हुआ है जैसे अपन आउटडोर हो। ये स्काई भी सब नकली है। मतलब ऐसा फील देने की कोशिश करिए कि अपन जैसे पेरिस की गलियों में घूम रहे हो। यहाँ पे अंदर शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और भी काफ़ी कुछ है। अभी दिखाता हूँ मैं सब। यहाँ पे कुछ आगे लाइव म्यूजिक की भी आवाज आ रही है। चलो चल के देखते हैं। थोड़ी थोड़ी गैम्बलिंग भी हो ही जाए। कितना लगाया करे वहां तुमने बताओ? नो कमेंट्स। क्या होता है? करीब 70-80 डॉलर हारने के बाद हम वेगस ट्रिप पर घूमने निकल पड़े हैं। ये लेफ्ट में पेरिस होटल है और इन्होंने पूरा एफिल टावर बना रखा है ऊपर। ये सामने जो बलून सा दिख रहा है ये पेरिस होटल का है और इसके जस्ट पास में प्लेनेट हॉलीवुड करके होटल है जहाँ पे जा रहे हैं। ये बेलाजियो के जस्ट सामने फाउंटेन्स ऑफ बेलाजियो है। यहाँ पे हर 15-20 मिनट में यहाँ पे एक शो होता है ऐसा। काफ़ी अच्छा है।
ये है बिलाजियो का फेमस गार्डन। ये पूरा इंडोर एट्रियम है और यहाँ पे हर थोड़े दिन में थीम कुछ चेंज होती रहती है। बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे, बहुत ही पसंद आया ये गार्डन। ये स्ट्रैट आ गए हैं हम स्ट्रेटोस्फीयर। इसके बाद हम आ गए इस होटल में जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फीयर। ये होटल आईफिल टावर से भी ऊंची है और इसके रूफटॉप पे कुछ बहुत ही स्केरी राइड्स होती हैं, तो हम बेसिकली वही करने के लिए आए हैं यहाँ पे। लेट्स सी। ये विनीशियन होटल है। ये होटल मुझे सबसे अच्छा लगा। इसकी थीम थोड़ी वेनिस जैसी है और यहाँ पे फील में ऐड करने के लिए पूरे होटल में एक नहर सी बना दी है इन्होंने, और इसमें छोटे छोटे गंडोलास चलते हैं जैसे वेनिस में होते हैं। के बाद हम लोग विनीशियन के अंदर आ गए और काफ़ी सुंदर है, काफ़ी साफ सुथरा है, काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी अच्छा है ये होटल। के बाद हम फटाफट भाग के अपने होटल वापस आ गए, जहाँ पे हमने ये एक्स्ट्रा वेगेंजा नाम का शो बुक कर रखा है। कुछ कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ मैं इसकी।
पूरा न्यूयॉर्क बना रखा है, इधर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, मैनहट्टन डाउनटाउन, पूरा होटल ही ऐसा बना रखा है इन्होंने। और ये है लक्सोर लास वेगास, जैसा दिख ही रहा है इसको इजिप्ट के पिरामिड्स की तरह बनाया है, और इसकी ये जो लाइट बैंड है ये भी कलर चेंज करती है। चलो इसके अंदर चल के देखता हूँ। बिल्कुल ऐसी फीलिंग है जैसे किसी पुराने किले में या पुराने किसी बिल्डिंग में जा रहे हो, थोड़ा सा क्रीपी है बट मस्त है। और इसके साथ ही समय आ गया वेगास को बाय बोलने का, हम चले वापस बेरिया। सी यू नेक्स्ट टाइम।